हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं जीएफटी के आज की प्रॉब्लम। जीएफटी के आज की प्रॉब्लम का नाम है यूनिट एरिया ऑफ लार्जेस्ट रीजन ऑफ पंच। ठीक है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मीडियम देख के घबराना नहीं अपने को। ठीक है, ग्राफ पे बेस्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, ग्राफ के कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को। इस क्वेश्चन में अपने को एक ग्रिड गिवन है और बोला गया है कि ग्रिड की जो डाइमेंशंस है ना, वो अपनी एन क्रॉस एम है। अब इसका मतलब क्या होता है? एन क्रॉस एम का मतलब है कि अपने पास एन नंबर ऑफ रोज हैं और एम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, और इस पूरी ग्रिड के अंदर जीरोस और वन स्टोर्ड है। ठीक है, अब अपने को आंसर में क्या देना है, मतलब रिटर्न क्या करना है अपने को, ये अपना सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा। तो इसके अंदर अपने को रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ वंस एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो वंस एक साथ कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में अपने साथ कनेक्टेड हो सकते हैं वंस। ठीक है, तो जो वंस है ना, वो सारे एट डायरेक्शन में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब एट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे अगर अपन ये वाला वन ले लें तो वो नॉर्थ में कनेक्टेड हो सकता है, एक और वन के साथ में साउथ में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, साउथ ईस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है। मतलब ये जो वन की इर्द गिर्द एट डायरेक्शन है ना, इन सारों में से कहीं पे भी वन कनेक्टेड हो सकता है दूसरे वन के साथ में। ठीक है, होप आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अब अपन इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझे, मतलब इस वाले एग्जांपल से समझे। तो इसके अंदर ग्रिड अपने को ये गिवन है, अब अपन देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वंस एक साथ कनेक्टेड है। तो इसके अंदर देखो, ये वाला वन इसके साथ में कनेक्टेड है, फिर ये वाला इसके साथ में, फिर ये वाला इसके साथ में डाउनवर्ड्स, और फिर ये डायगोनली इसके साथ में कनेक्टेड है। मतलब जो अपने सारे पांचों वंस है वो एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए अपना आउटपुट भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब सपोज कि ये वाला जो वन है उसकी जगह अपन अपना जीरो गिवन होता, तो ठीक है, ये वाले तीनों वंस तो एक साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन तीनों वंस का कोई भी कनेक्शन इस वाले वन के साथ में नहीं होता, तो अपना आंसर 3 आता। 3 क्यों आता? क्योंकि अपने को देना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस इंटरकनेक्टेड है, तो इधर 3 कनेक्टेड है, उधर 1 कनेक्टेड है, इसलिए अपना आंसर आएगा 3। ठीक है, फिर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें, तो इसके अंदर अपना आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही वन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया है, और इसी की साइज की मैंने एक और विजिटेड मैट्रिक्स बना दिया, उसको पूरे को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया, ये आपको आगे पता चलता रहेगा, अभी अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज इसके अंदर एन से डिनोट करूं, तो अपना एन 3 हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ रोज है अपने पास, और कॉलम्स को मैं एम में स्टोर कर देती हूँ, तो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है अपने पास। ठीक है, अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इस मैट्रिक्स के अंदर इटरेट करेंगे, और अपन देखेंगे कि अपने पास सबसे पहला वन कहाँ पे आ रहा है। तो अपने पास सबसे पहला वन तो फर्स्ट पोजिशन पे आ रहा है, और अपन देखेंगे कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या अपनी विजिटेड मैट्रिक्स के अंदर जीरो है। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है ना, तो अपन क्या करेंगे कि अपन इस पोजिशन को एक क्यू में स्टोर कर लेंगे, मतलब अपन एक क्यू बनाएंगे, उसके अंदर ये पोजिशन स्टोर कर लेंगे। तो 0,0 मैंने स्टोर कर दिया क्यू के अंदर। ठीक है, और मैंने एक और वेरिएबल बनाया मैक्सिमम, और उसको प्लस प्लस करवा दिया है, मतलब उस मैक्सिमम में 0 स्टोर था, अब मैंने 1 कर दिया इसके अंदर, और अपना जो विजिटेड है ना इस पोजीशन का, उसको भी मैं 1 कर दूंगी। ठीक है, फिर इस वाली जो पोजीशन है ना, इससे अपन को सारी 8 पोजीशंस में चेक करना है कि सबसे पहले तो क्या वो पोजीशन वैलिड है, मतलब वो अपनी मैट्रिक्स के अंदर आ रही है क्या वो पोजीशन। जैसे अगर अपन इससे लेफ्ट में देखेंगे, मतलब -1,0 पे देखेंगे ना अपन, तो वो पोजीशन इनवैलिड है, क्योंकि वो मैट्रिक्स के अंदर आई नहीं रही है। ठीक है, तो वो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन ने देखा, तो अपन को इस पोजिशन पे 1 मिला, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग विजिटेड मैट्रिक्स के अंदर 0 मिला। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो विजिटेड मैट्रिक्स के अंदर 1 कर देंगे। ठीक है, फिर अपन इस पोजिशन को अपनी क्यू के अंदर स्टोर करवा लेंगे, 0,1 को स्टोर करवा लिया अपन ने इसके अंदर, और अपन मैक्सिमम को भी 2 कर देंगे, मतलब मैक्सिमम को वापस +1 कर देंगे। ठीक है, और अपन और डायरेक्शन में देख लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में तो 0 है, इधर भी 0 है, बाकी की सारी डायरेक्शन इनवैलिड है। ठीक है, तो अपना इधर सिर्फ मतलब इस वाले से सिर्फ ये वाला आया, तो इसको अपन क्यू से निकाल देंगे, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर अपन इस नोड से चेक करेंगे, तो इस नोड से अपना एक तो ये वाली डायरेक्शन है जहां के अंदर अपना 1 आ रहा है, और अपनी विजिटेड के अंदर 0 है, तो अपन ने विजिटेड के अंदर 1 कर दिया इसको, इधर अपन ने 0,2 स्टोर करवा लिया। ठीक है, इसको मैक्सिमम को अपन ने 3 कर दिया। ठीक है,
फिर अपन ने एक और ये वाली जो डायरेक्शन है इसके अंदर देखा, तो इसके अंदर भी वन था और इसका विजिटेड भी जीरो था, तो इसके विजिटेड को अपन ने वन कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम को अपन ने फोर कर दिया और इसको अपन ने स्टोर करवा लिया अपने क्यू के अंदर, इस पोजिशन को, ठीक है। और फिर इधर से जो ये दोनों है ये तो जीरो है, और ये वाला जो वन है, अच्छा इस वाले वन को देखें अपन, तो ये तो वन है लेकिन इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग विजिटेड एरे है ना उसके अंदर जीरो स्टोर, मतलब वन स्टोर्ड है, तो अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाली पोजिशन की भी कहानी खत्म हो गई, इसको भी अपन ने क्यू से निकाल दिया। फिर अपन इससे देखेंगे, तो इससे अपन ने देखा तो इसके जो लेफ्ट वाली मतलब इधर वाला वन था उसके ऊपर ऑलरेडी विजिटेड वन है, इस वाले वन पे भी ऑलरेडी विजिटेड वन है अपना, और बाकी सारी तरफ तो जीरो ही है, ठीक है। तो इससे अपना कुछ भी नहीं आएगा, इसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं अपन। फिर अपन 1,2 पे आते हैं, तो 1,2 से सिर्फ ये वाला वन है जिसके अंदर अपना विजिटेड जीरो है, तो विजिटेड को अपन ने वन कर दिया, मैक्सिमम में अपन ने 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फिर अपन ने इसके अंदर मतलब ये वाली पोजीशन को भी अपन क्यू के अंदर स्टोर करवा लेंगे, 2,3, ठीक है। अब देखो इस वाले वन से क्या कोई और वन कनेक्टेड है जिसका विजिटेड जीरो हो, ये वाला जो वन है इसका विजिटेड वन है, ये वाले का भी विजिटेड वन है, बाकी सारे तो जीरो ही हैं, ठीक है, इसलिए अपन इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और फिर अपन इसको देखेंगे, इससे क्या कोई ऐसा वन कनेक्टेड है जिसका विजिटेड भी जीरो हो, तो इसका इससे ये वाला वन कनेक्टेड है, इसका विजिटेड वन है और बाकी सारे तो जीरो ही कनेक्टेड है, इसलिए अपन इसको भी निकाल देंगे, अपना क्यू एम्प्टी हो जाएगा और अपनी ये वाली कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। फिर अपना जो मैक्सिमम था ना उसको अपन एक आंसर के अंदर स्टोर करवा देंगे, आंसर के अंदर अपन ने 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है। फिर अपन वापस देखेंगे क्या इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर कोई और ऐसा वन बचा है जिसका विजिटेड जीरो हो, तो अभी तो अपना कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अगर अपना एग्जाम्पल अपन ऐसा वाला ले, चलो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले अपन जिसके अंदर ये जो वन है ना इसकी जगह जीरो आ रहा हो, ठीक है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो देखते हैं उस केस में अपना क्या होगा। 110 फिर 0 0 0 0 और फिर 0 0 0 और 1, इस केस में अपने को ऑलरेडी मालूम है कि अपना जो आंसर आएगा वो अपना 3 आना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि अपनी इस अप्रोच से अपना आंसर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अंदर अपन विजिटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी 0 0 0, 2 मिनट पहले बोर्ड को क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी अपना एन तो 1 ही है, मतलब एन तो 3 है और एम भी 4 ही है, ठीक है। अब अपना अपना विजिटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, विजिटेड मैट्रिक्स के अंदर अपन ने सब में 0 0 0 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब अपन इटरेट करवाना चालू करते हैं, तो अपना जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी वहां पे अपन को 1 मिल गया है, ठीक है, तो अपन इस पोजीशन को अपनी क्यू के अंदर स्टोर करवा लेंगे, 0,0 स्टोर हो गई, ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग विजिटेड को अपन 1 कर देंगे, ठीक है, और मैक्सिमम के अंदर अपन 1 स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। अब अपन ने देखा कि अपनी ये वाली जो पोजीशन है इससे कौन कौन सी और पोजीशन है जहां पे 1 कनेक्टेड है और विजिटेड अपना 0 हो, ठीक है। तो इससे सिर्फ ये वाली पोजीशन थी अपनी जहां पे विजिटेड 0 था, तो अपन ने इसका विजिटेड 1 कर दिया, इसको अपन ने अपनी क्यू के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है, और अपने मैक्सिमम के अंदर अपन ने +1 कर दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन ने वन है गाइस, अपन ने इस वाली को लिया और इससे देखा कि कौन सा वन कनेक्टेड है और जिसका विजिटेड 0 हो, तो इससे सिर्फ ये वाला वन था, ठीक है, तो इसका विजिटेड अपन ने 1 किया, क्यू के अंदर अपन ने 3 स्टोर करवाया,
मतलब मैक्सिमम के अंदर अपन ने 3 स्टोर करवाया और अपन ने 0,2 अपन ने अपनी क्यू के अंदर पुश करवा लिया। अब अपन ने देखा क्या कि कोई और नोट है जिसकी वैल्यू इधर 1 हो और उसका विजिटेड 0 हो, तो इधर कुछ भी नहीं था, तो अपना ये 0,2 भी अपनी क्यू में से हट जाएगा, अपनी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और अपना आंसर में क्या स्टोर होगा, आंसर में अपना स्टोर होगा मैक्सिमम मतलब 3 स्टोर होगा अपना, ठीक है। फिर अपन वापस इटरेट करवाएंगे और अपन देखेंगे कि क्या कोई ऐसी 1 बच गया है जिसका विजिटेड 0 हो अभी तक, तो हाँ अपना ये वाला मतलब अपनी पूरी इटरेट होके अपना इधर आएगा, ठीक है, कि अपना इधर 1 था जिसका विजिटेड 0 था, तो अपन इसको अब अपनी क्यू में मतलब अपनी क्यू को पूरा खाली करेंगे अपन और अपन इसके अंदर ये वाली पोजीशन स्टोर करवाएंगे, ठीक है, तो अपनी ये वाली पोजीशन स्टोर हो जाएगी 2,3 और अपना जो मैक्सिमम है ना उसके अंदर फिर से 1 स्टोर हो जाएगा, अपने मैक्सिमम में 1 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि क्या इससे कोई ऐसी नोड कनेक्टेड है जिसका विजिटेड भी 0 हो और जिसकी नोड की वैल्यू पे 1 आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अपना ये वाला मतलब क्यू एम्प्टी हो जाएगी और अपने मैक्सिमम के अंदर 1 है, और फिर अपन अपने आंसर को चेक करेंगे कि क्या अपना आंसर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से छोटी है, अगर अपनी आंसर की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी होगी तो अपन उसके अंदर मैक्सिमम को स्टोर करवा देंगे, नहीं तो अपन अपने आंसर को रिटर्न करवा देंगे, तो अपना इस केस में आंसर 3 था जो 1 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए अपन अपना आंसर यही हो गया जो अपने गिवन आंसर के बराबर था, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रोसीजर। अब अपन इसके कोड पे मूव करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये वाला देखेंगे, ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को ग्रिड गिवन थी, उसके अंदर अपन ने रोज और कॉलम स्टोर कर लिए, कितने अपने पास रोज थे और कितने अपने पास कॉलम थे एन और एम में, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको एक विजिटेड मैट्रिक्स बनाने को कहा था, वैसे इसके अंदर एम और क्रॉस एन, एन क्रॉस एम की विजिटेड मैट्रिक्स बनी है, उसको अपन ने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है, अपन ने अपने आंसर को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। फिर अपन ने अपनी मैट्रिक्स के अंदर इटरेट करवाया, मतलब अपन ने दो फॉर लूप चलाया और अपनी मैट्रिक्स के अंदर इटरेट किया है, मैक्सिमम को 0 कर दिया अपन ने, मैक्सी एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर अपन ने देखा कि अपना जो ग्रिड है उसकी क्या किसी पोजीशन पे 1 आ रहा है और उसी पोजीशन पे विजिटेड मैट्रिक्स में 0 आ रहा है, ठीक है। अगर अपनी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो अपन अपने फाइंड बीएफएस फंक्शन के अंदर चल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं तो इसके अंदर इस पोजिशन पे 1 आ रहा था, मतलब आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 पे अपनी ग्रिड की 1 आ रहा था, ठीक है, और अपने विजिटेड में भी इनिशियली उस पोजिशन पे 0 होगा, ठीक है, तो आई और जे की वैल्यू इधर 0 हो गई है, मैक्सिमम ग्रिड और एन और एम को अपन ने पास कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर। तो अपन फंक्शन पे चले, तो अपन ने क्या बनाया, अपन एक क्यू बनाई, उस क्यू के अंदर अपन ने आई जे को मतलब 0,0 को पुश किया, ठीक है, विजिटेड को अपन ने मतलब अपनी जो विजिटेड की वो वाली पोजिशन थी 0,0 उसको 1 किया और मैक्सिमम के अंदर प्लस प्लस कर दिया। अब अपन ने बोला कि जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक ये पूरा फंक्शन जो है वो चलाते रहो, ठीक है। तो अपन ने जो क्यू की जो फर्स्ट वैल्यू थी मतलब जो अपनी 0,0 था उसको अपन ने आई टी के अंदर स्टोर करवा लिया और क्यू से वो वाली वैल्यू को हटा दिया है, ठीक है। फिर ए के अंदर अपन ने आई टी की फर्स्ट वैल्यू मतलब ए के अंदर भी अपन ने 0 लिया है और बी के अंदर आई टी की सेकेंड वैल्यू मतलब 0 मतलब ए और बी दोनों को अपन ने 0,0 लिया है। और फिर अपन ने जो 8 डायरेक्शन अपने पास थी ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो वाली जो सारी डायरेक्शन थी, अपन ने उसके लिए अपन ने ये स्टोर करवाया, मतलब अपना जो 1,0 होगा वो अपवर्ड वाली नॉर्थ वाली डायरेक्शन को शो करेगा, -1,0 मतलब वो लेफ्ट वाली को शो करेगा, 0,1 शो करेगा राइट वाली को, सॉरी -1,0 शो करेगा साउथ वाली को, ठीक है। फिर जो अपना 0,1 होगा वो अपना राइट वाली को शो करेगा, ये लेफ्ट वाली को 0,-1 उसको शो करेगा और बाकी सारे डायगोनल्स एक्सेट्रा को ऐसे शो करता रहेगा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि जब तक अपनी मतलब अपन अपनी 8 डायरेक्शंस में चेक करेंगे कि क्या अपनी 8 डायरेक्शंस में किसी में अपना 1 आ रहा है जिसका विजिटेड 0 हो, जैसे अपन ने एक्स के अंदर प्लस करवाया ए प्लस अपना जो इंडेक्स है उसका फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ऐसे करके अपन ने मतलब 8 डायरेक्शंस में सर्च किया। अब ये 8 डायरेक्शंस कैसे बनी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये 1 था 0,0 पे,
ठीक है, अब अपनी जो फर्स्ट डायरेक्शन थी वो थी 1,0 ना, तो अपना ही हो जाएगा, अगर अपन 0 के अंदर इसको प्लस करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1, मतलब इन दोनों का अगर अपन प्लस करवाएंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और इन दोनों का अगर अपन प्लस करवाएंगे तो ये 0 बनेगा। तो 1,0 कौन सी पोजीशन होती है? ये वाली, सॉरी गाइस, ये वाली। ठीक है, तो अपन ये वाली पोजीशन पे चेक किया। सिमिलरली अपना जो -1,0 है वो किस पोजीशन को डिनोट करेगा? अब -1 और 0 को प्लस करवाए अपन तो -1 बनेगा, और 0 और 0 को प्लस करवाए तो 0 ही बनेगा। तो -1,0 कौन सी होगी? ये वाली पोजीशन होगी। ये वाली हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये नॉर्थ को चेक करेगा ऐसे। सिमिलरली ये राइट लेफ्ट डायगोनल हर पोजीशन को चेक कर लेगा। ठीक है, अपना ऐसे ये चेक कर रहा है सब में ऐड करवा के, फिर ये देख रहा है कि क्या अपनी वो पोजीशन वैलिड है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए या फिर 0 के, मतलब 0, एक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, और वो एन से छोटी होनी चाहिए। सिमिलरली वाई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या उससे बराबर होनी चाहिए या फिर एम से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर अपना जो ग्रिड है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और विजिटेड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो उस पोजीशन को भी अपन अपनी क्यू के अंदर पुश कर देंगे, विजिटेड को 1 कर देंगे और मैक्सिमम को प्लस प्लस कर देंगे। ऐसे अपना जो सारी इंटरकनेक्टेड नोड, एक नोड से जो सारी इंटरकनेक्टेड वंस आएंगे ना, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम की वैल्यू ऐसे 5 आ जाएगी बढ़ते बढ़ते। ठीक है, फिर अपन मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। इधर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने एड्रेस से पास किया, तो मैक्सिमम को अपन ने पास किया तो अपनी मैक्सिमम की वैल्यू इधर आ गई 5। फिर अपन मैक्सिमम मतलब आंसर के अंदर स्टोर कर देंगे कि मैक्सिमम और आंसर का मैक्स स्टोर कर देंगे अपन मैक्सिमम के अंदर, और फिर अपन आंसर को रिटर्न। यही था अपना सोल्यूशन, देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। गाइस कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। गाइस अभी शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऑलरेडी मेरा सॉल्व क्वेश्चन है, ये जो सोल्यूशन है एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन समझ आया और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।